हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली में एंट्री कैसे करें पार्ट 4.3। इसके पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं कि एंट्री कैसे करना है पार्ट 1, पार्ट 2, तो 4.3 हम देखने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, चलो एक कंपनी है रवि कॉरपोरेशन की, इसमें 40,000 कैसे व्यापार शुरू कर रहा है अर्जुन कॉरपोरेशन। ठीक है, अर्जुन भाई एक है कंपनी अर्जुन भाई कॉरपोरेशन के नाम से, ये मान लेते हैं अर्जुन है उसकी कंपनी है, और यहाँ पे आप हो जो कि आप अकाउंट करोगे टैली में, आप टैली में अकाउंटिंग करने वाले हो। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि 40,000 कैसे व्यापार चालू किया। अब अर्जुन ने क्या किया, 40,000 रुपये कैश लिया, इसके पास 40,000 रुपये से ही व्यापार शुरू किया। तो पैसा किसके पास आया, जब 40,000 इसने यहाँ से लिया कंपनी के पास दे दिया 40,000 रुपये, तो इसके पास आ गए पैसे। ओके, तो पैसा जिसके पास है उसको हम डीआर करते हैं। तो एंट्री करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आए, पैसा आया कंपनी में ना, जब कंपनी में पैसा आया आवक हुई, तो आवक की एंट्री के लिए हम फंक्शन के साथ F6 प्रेस करेंगे। फंक्शन F6, यहाँ पे आ जाएगा रिसिप्ट। अभी CR मांग रहा है, तो CR हम किसको करेंगे, तो पैसा जिसने दिया उसको हम CR करेंगे, तो अर्जुन भाई ने दिया। ओके, तो अर्जुन भाई ने कैपिटल लगाया, तो मैं कैपिटल को CR कर देता हूँ, या तो अर्जुन भाई का अकाउंट अगर मैंने बनाया था कैपिटल के अंदर डाल के, तो उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा मेरा CR, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने CRDR कौन होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल अकाउंट CR होगा, कैश अकाउंट DR होगा। इसमें अब कैश DR CR कैसे होगा, पिछले वीडियो हमने बता चुके हैं कि कब किसको DR कब किसको CR करना है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या था, चलो 40,000 डाल देते हैं, एंटर। अभी DR किसको करेंगे, तो पैसा कैश के पास आ रहा है मिस कंपनी, तो हमने वहाँ पे कैश बुक कर दिया है DR, कैश अकाउंट आ गया। अब F2 प्रेस करके डेट डाल देंगे, फंक्शन F2, डेट क्या है जो भी है डाल करके एंटर एंटर कर देंगे, एंट्री हो गई पहली। चलो एंट्री करने के स्टेप हमने फ्रेंड्स आपको बताए हैं टोटल। देखो एंट्री करने के लिए हमें कितने स्टेप हैं, सबसे पहले तो हमको वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप लिख दिया एंट्री करने के, तीनों स्टेप F4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी एक वाउचर सेलेक्ट करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके तुरंत बाद हम F2 प्रेस करेंगे, उसके बाद हम DRCR सेट करेंगे। इसके तीनों वीडियो हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, आप वहां से देख करके DRCR सेट कर सकते हैं। वाउचर सेलेक्ट करने के लिए भी मैंने बताया कब F4, कब F5, कब F6 में एंट्री आएगी, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ओके, तो हम आते हैं अभी आपको दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा कि करण के पास से 10,000 का माल खरीदा, तो 10,000 का माल खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट, करण अकाउंट से क्रेडिट, देख लिया आपने। तो चलो हम परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, करण को क्रेडिट करते हैं, आ जाते हैं अपने टैली के अंदर। यहाँ पे परचेस की एंट्री कहाँ आती है, F9, आपने याद किया होगा, याद नहीं किया हो तो याद कर लेना। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो मैं अभी आपको दे दूंगा एक बार फिर से लिस्ट कि कब F4, कब F5, कब F6 में एंट्री आती है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो परचेस खरीदी कर रहे हैं, तो जब हम परचेस करते हैं तो एंट्री F9 में आती है, तो मैंने फंक्शन F9 प्रेस किया। यहाँ से पार्टी नेम आ रहा है ना, तो पार्टी नेम को हटाएंगे हम, DRCR से अभी एंट्री करने हैं, बाद में हम पार्टी नेम से भी एंट्री करेंगे बिना DRCR की अगले वीडियो में। तो कंट्रोल और भी प्रेस करेंगे तो पार्टी नेम हट जाएगा, यहाँ पे CR आ जाएगा, और तुरंत हमको F2 करना होगा। F2 प्रेस करके हम डेट डालेंगे, चलो डेट मेरा क्या है 2-4 डाल दिया। क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे हम, किसके पास से माल खरीद रहे थे, करण के पास से, यहाँ से देख लो करण के पास से हमने माल खरीदा था, तो करण अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे देखिए, तो आ जाते हैं हम करंट अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। अमाउंट कितना था फ्रेंड्स, चलो 5,000, 4,000 जो भी है अपने मन से डाल देते हैं। यहाँ पर जब ये बॉक्स ओपन होता है तो आप लोग को ऑन अकाउंट डालना है, याद रखना ऑन अकाउंट डालने के बाद एंटर करो। अब यहाँ पे DR तो हमेशा परचेस ही होगा, मैंने रूल्स पढ़ाया है आप लोग को, यहाँ पे परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसको भी आप पढ़ लो, हाउ टू सेट डेबिट क्रेडिट, इसको मैं पिछले वीडियो में और डिटेल से बताया हूँ, वहाँ पे देख के कर सकते हो। परचेस अकाउंट DR मांग रहा है, DR में परचेस अकाउंट डाल दो, एंटर कर दो। यहाँ पे आइटम वाइटम कुछ हमें डालना नहीं है, एंटर एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट कर दो, तो एंट्री हो गई। तीसरा एंट्री में आते हैं हम, तीसरे एंट्री में क्या बोल रहा है कि अर्जुन को 5,000 का माल बेचा, अर्जुन को 5,000 का माल बेचा, तो अर्जुन DR होगा, सेल्स अकाउंट CR होगा। मैंने रूल्स भी पढ़े हैं, सेल्स अकाउंट हमेशा CR होता है, यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जब भी हम किसी को माल बेचेंगे। तो अब आते हैं एंट्री में हम, तो सेल्स की एंट्री कहाँ होती है, तो सेल्स की एंट्री अपेट में होती है। आप यहाँ पर इस बाजू में जो लिस्ट हो रही है यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेल्स सेल्स के लिए अपेट, और उसके नीचे लिखा हुआ है परचेस, परचेस के लिए F9। तो अभी हम परचेस में, तो यहाँ से हम इस पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो भी मेरा अपेट आ जाएगा। यहाँ पे देखो
जनरल पे क्लिक करेंगे तो जनरल आ जाएगा, रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे रिसिप्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ से F8 पे प्रेस कर सकते हैं, या तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँ, यहाँ से करना होगा कंट्रोल भी क्योंकि पार्टी नेम आ रहा है, तो कंट्रोल भी कर देंगे, पार्टी नेम हट जाएगा। DRM किसको करेंगे, अर्जुन को, अर्जुन को माल बेचे थे तो अर्जुन का नाम डाल देंगे, अमाउंट जितना था डाल देंगे 5,000। यहाँ पे ऑन अकाउंट डालो, एंटर एंटर करो, सेल्स अकाउंट मैंने बोला वहाँ पे आपको दिखाया भी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, एंटर एंटर एंटर, एंट्री हो गई। चलो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ना, तीन क्वेश्चन हो गए मेरे टोटल। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है 500 रुपये सैलरी दिया, सैलरी दिया तो सैलरी को डीआर करेंगे, कैश को सीआर करेंगे, यहाँ पे लिखा है आप लोग देख लो। ओके तो हम आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे सैलरी को डीआर करना है, कैश को सीआर करना है, चलो आ जाते हैं हम। और एंट्री F5 में आएगी, क्यों एंट्री F5 में आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा खर्च हो रहा है, सैलरी कंपनी में से पैसा जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी कंपनी है, कंपनी में से हम सैलरी चुका रहे हैं, तो पैसा किसके पास जा रहा है, सैलरी जिसको दे रहे हैं उसको पास जा रहा है। तो यहाँ पे चलो मान लो आप काउंटर में एक इंडिकेट कर देता हूँ सैलरी वाले को फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से कंपनी है, ये कंपनी में कुछ पैसे हैं, यहाँ से मैंने सैलरी, पैसा किसके पास आ रहा है, जहाँ पे हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी अकाउंट में आ रहा है, ये सबको हम सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी को डीआर करेंगे, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैश के पास से आ रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, कंपनी को कैश कहते हैं, कैश को हम सीआर करेंगे, और जिसके पास आया सैलरी आया तो सैलरी को डीआर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं डीआर सीआर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो कंपनी का खर्च हो रहा है, तो खर्च की एंट्री F5 में आती है, तो सबसे पहला काम F5, दूसरा काम तुरंत F2 प्रेस करके डेट, मैंने डाल दिया यहाँ पे डेट, चलो 4-5, तो फिर जो भी डेट आप डालना चाहते हो वो डालो, 4-4 डाल देते हैं, एंटर। DR किसको करेंगे, सैलरी अकाउंट, यहाँ पे CS टाइप किया, सैलरी आ गया, सैलरी को डालो, अमाउंट डालो कितना मैंने चुकाया था, जो भी अमाउंट है अमाउंट अपने मन से, अभी फिलहाल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो कुछ भी डाल दे रहा हूँ, चलो मैंने डाल दिया 6,000। क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे, जिसने पेमेंट किया, सैलरी किसने दिया, मेरी कंपनी ने दिया, तो कंपनी को कैश करेंगे, यहाँ पे आ जाओ कैश, हो गया एंट्री। चलो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है नवरोजी को 500 रुपये दिए, तो नवरोजी जिसके पास पैसा गया वो डी आर, कैश मेरे मेरी कंपनी से गया तो कैश सी आर, फिर रमेश को 300 का माल बेचा, चलो पहले नवरोजी वाला करते हैं हम, तो नवरोजी डी आर कैश सी आर पेमेंट कर रहे हैं, तो नवरोजी को डी आर कर दो, कितना दिया था यहाँ से देख लो, 500 रुपये दिए हैं, आ जाओ यहाँ पे 500 लिख दो, यहाँ पे ऑन अकाउंट डाल दो, और यहाँ पे कैश, कैश आ जाएगा, एंटर एंटर कर दो। ओके फ्रेंड, चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं लास्ट। रमेश को 3,000 का माल बेचा, जब भी बेचा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी माल बेचा तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा हमेशा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, रमेश को माल बेचा तो रमेश को डेबिट। चलो रमेश, पहले सेल्स, सेल्स की एंट्री कहाँ आती है, F8, तो मैंने F8 प्रेस किया, कंट्रोल भी किया, DR में डाल देते हैं रमेश, रमेश अकाउंट डेबिट, कितने का माल बेचा था उसको देख लो, कितने का माल बेचा है, 300 का माल बेचा है, तो आओ यहाँ पे अमाउंट में लिख दो 300, एंटर करो, ऑन अकाउंट डालो, यहाँ पे एंटर करो, क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स को, सेल्स खाते हमेशा क्रेडिट होता है, एंटर एंटर कर दो, एंट्री हो गई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतनी एंट्री समझ में आई, फ्रेंड्स एंट्री करने के लिए आपको बस इतना स्टेप याद रखना है हमेशा, सेलेक्ट वाउचर, वाउचर कब कब कौन से वाउचर सेलेक्ट करना है आप लोग याद कर लेना, मैंने पिछले वीडियो में इसको अटैच किया हुआ है, और पिछले वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि कब F4 प्रेस करना है, कब F5, कब F6, कब F8, कब F9। ओके तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम F7 और क्रेडिट नोट डेबिट नोट की एंट्री देखेंगे। तो आई होप आपको एंट्रियाँ समझ में आई होंगी, जिस एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में करें, ये एंट्री नहीं समझ में आई है, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।